हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख के समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि आज अपन किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज अपन वो स्टिकर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने कभी ना कभी देखा होगा, बैक साइड में या आसपास वहीं कहीं ग्लास में वो स्टिकर नई गाड़ी में जरूर लगे रहता है। नई गाड़ी में देखिएगा या कभी रोड में कोई नई गाड़ी दिखती या शोरूम वगैरह में देखिएगा, वो स्टिकर लगे रहता है। तो उसके बारे में अपन जानेंगे कि एक्चुअल में वो स्टिकर है क्या और उसका काम क्या है। बहुत सारे लोग उसको फ्रेंड्स गाड़ी का इंजन नंबर या चेचिस नंबर उसको समझ लेते हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, वो इंजन नंबर भी नहीं ना ही चेचिस नंबर है। तो वो नंबर क्या चीज का है और उसका काम क्या है, यही इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, उसमें कुछ कुछ बात मेंशन रहता है, 1.5 है, 1.2 है, कौन सा इंजन है उसमें, और पेट्रोल है, डीजल है, और साथ में ऑटोमेटिक है या मैनुअल, इस टाइप का कुछ उसमें लिखे रहता है फ्रेंड्स। और उसमें आपके गाड़ी का कलर लिखे रहता है कि आपकी गाड़ी कौन सी कलर की, रेड कलर की है, वाइट कलर की है। तो उसमें नॉर्मल देखिएगा फ्रेंड्स, गाड़ी का कलर का नाम लिखे रहेगा और उसी के बगल में कुछ कोड टाइप का नंबर लिखे रहता है, ABCD या कुछ भी, JJ12 ऐसा कुछ भी नंबर रहता है उसमें फ्रेंड्स। तो वो नंबर का मतलब क्या रहता है, मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताता हूँ फ्रेंड्स। बेसिकली जैसे कि वो नंबर का यूज़ तब करते हैं फ्रेंड्स, अपना यूज़ नहीं है वो नंबर का, अपने कोई काम का नहीं है वो नंबर। नंबर वो तब काम आता है जैसे कि आपकी गाड़ी मान लीजिए स्क्रैचेस वगैरह आ गए हैं या डेंट आ गए हैं, तो उसी सेम पेंट बनाना है उस गाड़ी का। जैसा कि आप अगर कोई भी पेंट के बारे में जानेंगे फ्रेंड, अगर फोर व्हीलर वगैरह के लैंग्वेज में अपन बात करें तो उसमें ब्लैक कलर पेंट दे दो, वाइट कलर पेंट दे दो, ऐसा नहीं बोला जाता फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, वाइट कलर में ही 8-10 प्रकार का वाइट कलर रहता है और जितनी भी कंपनी रहती है फ्रेंड्स, सब अपने अपने हिसाब से अपना कलर बनाए रहते हैं फ्रेंड्स। कोई और कंपनी उस कलर को नहीं यूज़ कर सकता, इसलिए वो नंबर, वो कोड दिया जाता है कि अगर वो, जैसा कि अपन कोई शॉप में जा रहे हैं जहाँ से पेंट लेते हैं, तो वहाँ भी ऐसा नहीं रहता फ्रेंड्स ये कलर दे दीजिए, उसमें नंबर रहता है कि ये पेंट का ये नंबर रहेगा, तब वो फॉर्मूला रहता है कि इतना ग्राम ये नंबर का पेंट को मिलाना है, तब जाके वो पेंट तैयार होता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ब्लैक डाल दीजिए, थोड़ा वाइट डाल दीजिए, ऐसा नहीं रहता फ्रेंड्स। उसमें एक नंबर रहता है, वही नंबर वो पेंट वाले बॉक्स में भी लिखा रहता है, तो उसी नंबर के अकॉर्डिंग कितना ग्राम डालना है, क्या डालना है, उनका एक फॉर्मूला रहता है। बस एक नॉलेज के लिए रहता है कि आपके गाड़ी ये कलर की है, मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, और उसमें कलर कौन सा है गाड़ी का, और कुछ कुछ ऐसा कोड वगैरह रहता है उनका। ऐसा कोई बड़ा उसमें सोचने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा कि किस चीज़ के लिए होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल बात है फ्रेंड्स। देखे होंगे फ्रेंड्स वो कागज़ का स्टिकर रहता है, वो तो कुछ साल बाद वो निकल के फेंका भी जाता है फ्रेंड्स। अगर वो बहुत ज़रूरी चीज़ रहता तो फ्रेंड्स वो ऐसे बाहर में लगे नहीं रहता, कागज़ में कहीं अच्छे जगह में रहता वो नंबर। तो ऐसा कोई वो नहीं है बड़ा, बहुत बड़ा उसका मिथ नहीं है फ्रेंड्स, उसमें नॉर्मल है। वो अगर कोई गाड़ी का पेंट बनाना चाहते हैं तो वो नंबर कोड हिसाब से वो पेंट का यूज़ करते हैं, ऐसा नाम से यूज़ नहीं किया जाता। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा, छोटा सा जानकारी था फ्रेंड्स। आप लोग में बहुत सारे लोगों के मन में ये बात ज़रूर आया होगा कि वो नंबर क्या रहता है, तो यही है फ्रेंड्स। अगर पेंट बनाना चाह रहे हैं, उसका पेंट बनवाते हैं, तो वो कोड के हिसाब से पेंट बनता है। ऐसा सेम पेंट बनाना है तो वो कोड मिलाना पड़ता है, कितना ग्राम कौन सा कोड डालना है, इस टाइप का बहुत सारा फॉर्मूला रहता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहीं पर एक छोटा सा बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी टाइप के ऑटोमोबाइल्स वाले वीडियो जब भी मैं डालूं इस चैनल में, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो को मिल सके और सबसे पहले उस वीडियो को एंजॉय करने वाले हो सके। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू।